नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल की चर्चा को अगर हम लोग दोहरा लें थोड़ा सा, तो हम लोगों ने पहले इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि बच्चों के जीने में परिमार्जन हो, और फिर प्रक्रिया की बात की। ये प्रक्रिया जो सामने दिख रही है वही है जो हम लोगों ने VHV2 में डिस्कस किया था, और कल भी इस पर बात की, और फिर कुछ बारीकियों पर हमने चर्चा की, जिसमें एक बात निकल कर आई कि एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो प्रस्ताव जैसा है वैसा हमको सुनने में ठीक से आ जाए, बिना किसी अपने आप से है ना मिलाई हुई कोई मान्यता के, जैसा है वैसा हमको सुनने में आ जाए। दूसरा, इसको हम अपने आप में सहज स्थिति के आधार पर जांच के देख सकें, और तीसरा, इसको हम जी कर देख सकें, तो फिर ये बात हमारी समझ का हिस्सा बन जाती है। इसको लेकर कुछ साथियों के रिफ्लेक्शन भी आए थे, तो इस पर अगर आपने कल कुछ और विचार किया हो, कुछ और ध्यान दिया हो, कोई नए प्रश्न बने हो, तो स्वागत है, आप प्रश्न रख सकते हैं। तो पे ये देख लें कि यही प्रोसेस आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, जिसमें आप स्वयं में अन्वेषण कर रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं, इसको जी कर देख रहे हैं, जिससे समझ विकसित हो रही है, या कुछ ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कि आपको कुछ करने के लिए कह दिया जाए, कोई उपदेश दे दिया जाए, जिसमें सिर्फ आप मान सकें और जांचने का अवसर न हो। कौन सी प्रक्रिया सहज रूप से स्वीकार है? पहले ऑप्शन के लिए 1 लिख सकते हैं, दूसरे ऑप्शन के लिए 2 लिख सकते हैं। ये प्रश्न एक सामान्य सा प्रश्न है ना, हम सभी इस पे कई बार रिफ्लेक्ट किए हैं। जो अपने नए साथी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही वर्कशॉप किया हो, अगर उनके कुछ नए प्रश्न बनते हो तो जरूर इस पर रख दें कि क्या लगता है कि जीने से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर ये प्रक्रिया लागू होती है, या लगता है कहीं कहीं तो मान के ही चलना पड़ेगा। रश्मि जी, नमस्ते जी। ये आपने जो पिछली क्लास में बताया था, कल की स्वीकृति और सहज स्वीकृति, तो मैं जैसे अपने आप में देख पा रही हूँ कि सहज स्वीकृति तो हमको जो व्यवस्था की होती है, जहां पे भी गलत दिखता है, मतलब वो चीज स्वीकृत नहीं होती है, तो सहज स्वीकृति तो व्यवस्था की है, बट हमको वो चीज स्वीकृत करनी पड़ती है जो अव्यवस्था है। तो हाउ कैन रिजॉल्व दिस ऑन माई, मतलब मैं उसको अपने आप में कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल, जो आप प्रश्न करें उसी का उत्तर सामने है, यही प्रक्रिया। पहले हम ये तो देख लें कि सहज स्वीकृति क्या है। ठीक, तो होता यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम जो सहज स्वीकृति है उसको जैसा वैसा देख पाते हैं, और उसको जी कर आश्वस्त भी हो पाते हैं। फिर आपको दिखेगा कि जो हमने स्वीकृतियां बनाई हैं उसको अल्टीमेटली सहमति हम ही ने दी है। सिस्टम में चाहे जैसा भी मान्यता बना हुआ हो, बाहर से जैसा भी दबाव हो, उस दबाव में आने की स्वीकृति हम ही ने प्रदान की है। क्यों? क्योंकि उस समय हमको वही सुख लग रहा है। तो हमारे अंदर जितना जितना ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, जितना पुष्ट होता जाता है, उतना हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो मूल्यांकित होने लगती हैं। और फिर आपको दिखेगा कि उन मान्यताओं का निर्णय हम ही ने लिया है, हम ही ने किसी पॉइंट पे मान लिया। उसी परिस्थिति में हमने मान लिया, हो सकता है अगले व्यक्ति ने नहीं माना, तीसरे व्यक्ति ने कुछ और मान लिया। तो जितना जितना हम इसको अपने आप में देखेंगे ना, हमको पता लगेगा कि मानने का निर्णय भी मेरा ही होता है। अगर हम जानने पे काम करने लगते हैं तो फिर वो मानना जो है या तो जानने पे आधारित हो जाता है, अगर ठीक था, नहीं तो फिर उसकी निर्जरा हो जाती है, ड्रॉप हो जाता है, और उसी के लिए सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें जहाँ भी जीना है वहाँ कुछ तो मान के ही हम जिएंगे। हम जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे एक मानना होता है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि वो मानना जानने पर आधारित है कि नहीं। अगर जानने पर आधारित होता है तो मानना तृप्तिदायक होता है, उसकी निरंतरता होती है, और ये भी दिखता है उसकी सार्वभौमिकता भी होती है। यदि मानना समझ पर आधारित नहीं होता, जानने पर आधारित नहीं होता, तो उसमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर हमने पहले से कुछ ठीक माना हुआ है तो इस प्रक्रिया से वो पुष्ट हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, उसको कोई शंका नहीं रह जाती। अगर पहले से कुछ ऐसा माना हुआ है जो जानने के आधार पर नहीं है, उससे मेल नहीं खाता, तो ड्रॉप हो जाता है, और उसी के लिए सारा काम कर रहे हैं। जो हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सुबह सत्र पे जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं।
ताकि मानने से जानने पे आ जाए। स्वीकृति से आगे बढ़कर सह स्वीकृति के आधार पर जीना हो जाए, ताकि हम निरंतर सुख की स्थिति में जी सकें। जी रेणुका जी का कहना है कि कभी कभी तो मानना इनएविटेबल होता है। जी तो देखिए, अगर हम मानने की बात करें तो जैसे बाहर से कोई सूचना आ रही है, उस सूचना को तो हम मान लेते हैं कि ऐसा है, पर सूचना के साथ जीना कैसे है ये तो जानने का मुद्दा है कि नहीं। जैसे कोई कहे कि यहाँ से दूर किसी शहर में किसी रेस्टोरेंट में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो हम उसको मान लेते हैं ठीक है भाई मिलता होगा, परंतु स्वादिष्ट खाना अगर वहाँ मिल रहा है तो उसके साथ मेरी भागीदारी क्या है, मुझे जाकर वहाँ खाना है कि नहीं, ये जानने का मुद्दा है। तो जो बहुत सारी हमको सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं का मुद्दा नहीं है ये, उस सूचना के साथ मेरी भागीदारी क्या है उसका मुद्दा है, मेरा जीना कैसा हो उसका मुद्दा है। रेणुका जी अगर आप हैंड रेज करें तो और स्पष्ट रूप से बात हो सकती है। जी रश्मि जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? जो मेरे अंदर डाउट चल रहा है, जैसे मैं आपका बोला वह समझ पा रही हूँ कि वो जानने में हो, पर मैं जान पा रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ, जैसे ड्रिंक करना गलत है ये मैं मानती हूँ, और मुझे मैं एनालाइज करती हूँ तो मुझे मेरे जानने में भी ये कंफर्म हूँ मैं कि ये गलत है, पर यदि सोसाइटी में ये इतना कॉमन है तो मुझे कई बार यही लगता है कि क्या मैं ही ऑडमन मैन आउट थॉट है मेरा ही कि ये गलत है, क्योंकि ये तो इतना कॉमन है कि मैं ही अलग दिख रही हूँ, है ना। तो मैं उस चीज में कैसे, जैसे मैंने आपको अपना शेयरिंग किया है, जैसे बेटी के लिए लड़का ढूंढना है तो सब मुझे ही बोल रहे हैं कि तू ही गलत सोच रही है, ये तो बहुत कॉमन है। जी, तो आप ही यदि सोच रहे हो कि यदि ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करता हो तो आप ही गलत हो, क्योंकि सोसाइटी में तो अभी 99% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो अब ये मेरा मानना मैं समझूं या जानने, क्योंकि मेरा मानने से जानने में मैं कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, पर फिर भी वो मेरे जानने में मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा एक मेरे मन में डाउट है, तो आप प्लीज जी, मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है, है ना, और आपका जो प्रश्न है उससे मिलते जुलते ही प्रश्न लगभग सभी साथियों के भी होते हैं। तो जैसे आपने ड्रिंक करने का एक उदाहरण लिया, ठीक है ना, तो उसमें भी हम अपने आप में जांच से देख ही सकते हैं कि ड्रिंक करना हमारे स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं, तो नहीं है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अस्वस्थ होना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये बात तो तय हो जाता है कि ड्रिंक करना सही कार्यक्रम नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है। ठीक, अब सभी कर रहे हैं, सभी अस्वस्थ हैं, तो हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे क्या? और मजे की बात, सभी ड्रिंक कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मानने की बात है। आपको ऐसा नहीं कि 99.9% लोग ड्रिंक कर ही रहे, नहीं है। एक तो जो सूचना है हमारे पास कई बार वो भी गलत हो जाती है, तो अगर परिवार में कभी चर्चा होती है तो हम उसमें पूछ सकते हैं, ये बताइए समाज में सभी लोग दुखी हैं तो क्या आप भी दुखपूर्वक जीना चाहेंगे, सभी बीमार हैं तो क्या आप भी बीमार होना चाहेंगे, ये पूछ लें पहले, देखें क्या उत्तर मिलता है। कोई नहीं कहेगा कि हम दुखी होना चाहेंगे, बीमार होना चाहेंगे, तो उनके कुछ और प्रश्न बनेंगे, है ना, जो आपके प्रश्न है कि भी समाज से हटकर कैसे जिए, समाज में अलग ढंग से कैसे जिए, या ड्रिंक नहीं करें तो क्या करें, ये भी एक प्रश्न है। जैसे ड्रिंक करना ठीक नहीं है ये हम कह देते हैं, अगर ड्रिंक करना ठीक नहीं है तो क्या ठीक है ये तो बताएं। तो कई बार ये होता है कि हम निषेध लगा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही क्या है बता नहीं पाते हैं, अगले व्यक्ति के अंदर प्रश्न है, है ना। तो है ना, ये दोनों ही मुद्दों पे अपने को समाधान चाहिए। एक तो हम उनको इस बात की इनेबल करें कि अपनी साहस की दिशा पर जा सके, दूसरा अगर ये गलत है तो सही क्या वो बता सके। तो जब हम निषेध से चलते हैं ना कि ये गलत है, ये गलतियां हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, बट सही क्या हम नहीं बता पाते तो फिर दिक्कत होती है। बट आप कुछ बेसिक इश्यूज रेज करिए तो अगला समाधानित होता है, सुनता। और ऐसा नहीं है कि इतने लोग ड्रिंक ही कर रहे हैं, है ना, अभी आप देखिए तो समाज की हालत इतनी बुरी भी नहीं है कि नहीं, अभी आप कॉलेज में देखिए या
जहाँ पे आप पढ़ा रहे, देखिए कितने लोग ड्रिंक करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत लोग ड्रिंक ना करते हो, और समाज जिस मोहल्ले में रह रहा है, जिस समाज मतलब परिवार जिस मोहल्ले में रह रहा है, जिस तरह से परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसको हम ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे। जी जी भैया जी, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया दीदी। सर मैथमेटिक्स में हमेशा एक एक्स वैल्यू रहता है जो अनोन रहता है। सो वो अजम्पशन अगर मान ले, तो एक्स को अगर अजम्पशन मान ले, उसके बाद ही वो अनोन नोन हो जाएगा। तो पहले हम अज्यूम तो करते हैं ना सर, बाद में ही हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू ये है। जी ये बात तो ठीक है। देखिए अभी भी हम कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के पीछे कुछ मानना होता है ना। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे तो दिखेगा कि हम मानव के बारे में कुछ माने हुए रहते हैं, इस पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ माने हुए रहते हैं, अपने जीने के बारे में माने हुए रहते हैं। ठीक बात है, हम मानने शुरू करते हैं, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कोई प्रपोजल हमें मिलता है तो फिर मानना जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है जानने में। तो मानने से शुरू करें तो ठीक ही बात है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मानना, पहचानना, निर्वाह करना, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये तो हम हर क्षण कर ही रहे हैं। ठीक, नोइंग शेष है, नोइंग के लिए काम कर रहे हैं, नोइंग के लिए प्रोसेस है। बट ये नोइंग जो है हमेशा इमीडिएट नहीं होता, तो बहुत टाइम तो लगता है सर ये नोइंग इन ईच सिनेरियो, ईच सिचुएशन में इसको टाइम लगता है। तो इनिशियली हम जो करते हैं वो अजम्पशन पे ही करते हैं, बट नोइंग तो हो जाएगा लेटर। देखिए मजे की बात क्या है, जो हम कहते हैं ना टाइम लगता है, हम सबके पास टाइम है और हम सबके पास हर दिन उतना ही टाइम है कि नहीं तो टाइम का तो कोई मुद्दा नहीं है, बस यह है कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना मुद्दा है। तो टाइम का कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ सर, एक ही एक हमने पूरी जिंदगी मान के जिया या जानने के लिए प्रयास किया है ना। तो हम 60 साल 70 साल जीते हैं, करेक्ट, नॉर्मल लाइफ देख रहे इतना तो जीते ही हैं। ठीक, उतना टाइम तो हम सबके पास है। अब उसका हमने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया, ये मुद्दा है। तो टाइम का कोई मुद्दा ही नहीं है अगर बहुत बारीकी से आप देखिए। हाँ सर, हाँ सर जी, थैंक यू। नाइस दीदी। मदन जी। कुमार जी नमस्कार। सुबह नमस्कार जी। नमस्ते। आपको सुनकर काफी अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बस आपको सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। और आपका जो जवाब देना होता है, जो क्वेश्चंस को जो जवाब देते हो, बिल्कुल स्टिक देते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, वो काफी अच्छा लगा मुझे, और मैं उसको सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, बस यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक, बढ़िया बढ़िया। मेरे को यहाँ दो चीजों की समझ आई है, जो मैं समझ पाई हूँ उसमें एक तो इंटरनल एक कॉन्शियस है और एक जो एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। पर इन दोनों में अगर कॉन्शियस में बहुत सारे डिजायर्स हैं, तो डिजायर्स को हम वो हमें परेशान करती है। जैसे सर आपने हमें कल बताया, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन, मेरे को एक क्लैरिटी मिली बात में कि कॉन्ट्राडिक्शन एक डिजायर्स के ऊपर बेस्ड है। तो हम डिजायर्स को अगर सॉल्व करते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म होती है, पर जो एक्सटर्नल जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अट्रैक्शन है उसको अगर हम खत्म करते हैं तो भी हमारी कंट्राडिक्शन खत्म होती है। पर भाव यहाँ आता है कि सामने वाले के भाव से, हमारे भाव में जब वो एक क्लैरिटी नहीं समझ आ गई, तो वो एक हमारे कॉन्शियसनेस की कमी है शायद। हाँ, वहां पे सजगता की कमी है। अगर हम प्रभावित हो गए तो हमारी सजगता की कमी है, हमारी वहाँ कहीं समझ की कमी पड़ जाती है। उसी लिए तो जी काम जी सर, वो अब ये चीज मेरे को समझ आई, भाई ये समझ के ही हम समझ पाते हैं। यानी कि हम कई बार ये कहते हैं कि अगर हमारे भाव में ये आ जाए कि वो एक कॉम्पिटेंस हर एक में एक डिफरेंट है,
तो उस हो सकता है कि वो कॉम्पिटेंस हमारे में भी थोड़ा सा कम हो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो अगले में भी कॉम्पिटेंस की कमी हो सकती है, हमें भी कॉम्पिटेंस की कमी हो सकती है, और हम दूसरे के कॉम्पिटेंस का भी सही मूल्यांकन तभी कर पाते हैं जो अपने कॉम्पिटेंस के लिए ठीक से काम कर रहे होते हैं। यस सर, ये क्लैरिटी मेरे को, ये बेस जो अच्छा लगा ना, ये बहुत सही है कि हम लोगों में जो हम उस वैल्यू में अगर अपने आप को एक समृद्ध कर ले तो उससे शायद हम लोगों के ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सही हो सकती है। तो कोर्स के सिलेबस को देखें तो हम लोग 5 मॉड्यूल में पूरी बात रखने वाले हैं। जो पहला मॉड्यूल है उसमें हम लोग अभी तक जितना कुछ हमने एक्सप्लोर किया है, पढ़ा है, वर्कशॉप में कंटेंट लिया है, उसको दोहराएंगे, जिससे हमको मानव की जो मूल चाहना है और उसको पूरा करने का जो कार्यक्रम है उस पर बात करेंगे, और एक शब्द समाधान को हम लोग विस्तार से इसमें समझेंगे, जिसको ऑल एनकम्पासिंग रिजोल्यूशन लिखा है। तो समाधान का अर्थ क्या है, समाधान किसे कहते हैं, समाधान के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में जानने की प्रक्रिया क्या है, जानने की वस्तु क्या है, जानने वाला कौन है, इस पर बात करेंगे। जानना होता क्या है, किसको हम, किस चीज़ को हम जानते हैं। तो जानना अपने आप एक निश्चित शब्द है, सूचना लेना, जानकारी लेना एक बात है, जानना एक अलग बात है। तो जानने का अर्थ क्या है, जानना होता क्या है, है ना, इसको हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और फिर इसी क्रम में हम लोग ये भी देखें कि जानने वाला यानी ज्ञाता कौन है, इसे ज्ञाता कह रहे हैं। ज्ञेय क्या है, जानने की वस्तु क्या है, और जानने की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरे मॉड्यूल में मानव को विस्तार समझने का काम करेंगे। तो UHV2 में हम लोगों ने सेल्फ के सारे एक्टिविटीज़ को बहुत ही संक्षेप में ओपन अप किया था, परंतु उसमें से एक एक शब्द को जो वहाँ लिखा हुआ था उसको विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, और उसके और विस्तार में जाएंगे, एक शब्द के और विस्तार में जाएंगे, उससे जुड़े हुए कुछ और भी नए शब्द, परिभाषाएं, अर्थ निकल कर आएंगे, जो स्वयं के अन्वेषण में काफ़ी सहयोग करने वाला है। तो मॉड्यूल 3 पे हम अच्छे से समय लगाएंगे। अगर ये बात हमें स्पष्ट हो पाती है मानव के बारे में, तो फिर अस्तित्व को समझना सरल हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग प्रकृति और अस्तित्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और इस पूरी समझ के साथ मानव का आचरण कैसा हो इस पे बात होगी, इसको मानवीयता पुनाचरण कहेंगे। और फिर ये हम लोगों ने अभी तक जितनी बात की वो ज्ञान को लेकर किया, परंतु तो समाधान में जो और बातें जुड़ी हुई हैं, विवेक, विज्ञान, भागीदारी, उसको लेकर फिर बात करेंगे आखिरी मॉड्यूल में। तो ये पूरा कंटेंट रहेगा सुबह के सत्र का, और इसमें हम सबके पास पूरा अवसर रहेगा कि जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए, उस पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर होगा। हम इसको जांचते परखते हुए चलेंगे, और इसमें हम सबका विकास होगा। जी, तो ये सिलेबस है। मैं हालांकि मैंने UHV 1 भी किया और कई जीवन विद्या के एक दो सत्र भी सुने हैं, वो जीवन विद्या जैसा ही एक कोर्स है, शायद वहीं से बना हुआ है जो मध्यस्थ दर्शन है, पर मुझे इतनी बार सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये बार बार मेरे लिए नया आ रहा है। और दूसरा, अब मैं मिडिल एज में हूँ तो मुझे टफ लगता है इस चीज को अडॉप्ट करने में, जैसे भारी दबाव जो है बाहर से प्रभावित होना मेरा खत्म नहीं हो रहा। जैसे मुझे पता है कि अब मैं जैन हूँ, अभी महावीर जयंती चल रही है, मुझे पता है कि मंदिर में जाने में भगवान की पूजा 2 घंटे अगर कोई कर रहा है और मुझे बुला रहा है, तो मुझे पता है कि सेल्फ रियलाइजेशन और खुद का जानना ज्यादा जरूरी है बजाय इस तरह से बैठना पूजा पाठ में। पर कई बाहर का प्रेशर होता है और मैं थोड़ा कि नहीं, समाज में जाना जरूरी, मेरी मान्यता है कुछ ऐसी, तो मैं चली जाती हूँ। बाद में मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं पा सकते हम कुछ, पर फिर भी मैं चले जाती हूँ। तो मेरा अपना इन चीजों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा ऐसा लगता है। कई चीजें जानने की भी कोशिश करते हैं लेकिन मानते हुए ही, और थोड़ा सा जान भी रहे हैं उसको लॉजिकली, उसके बाद भी वो मानी हुई चीज करने लग जाते हैं। जी, तो उसमें मुद्दा ये है ना कि अडॉप्ट करने का कार्यक्रम नहीं है ये, कोई बात कही जाए उसको अडॉप्ट करना तो मानना हो गया,
हम स्वयं उसको अगर हम जांच पाते हैं, जी कर देख पाते हैं, तब वो हमारी समझ का हिस्सा बनता है। और एक बार हमने समझ ली कोई बात तो ऐसा ही जीते हैं। तभी जो हम द्वंद में जाते हैं इसलिए, क्योंकि हमको लगता है ये भी सही हो सकता है वो भी सही हो सकता है। ठीक नहीं, पर कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं। या तो हम जो जी रहे हैं और जो जीना चाहते समझ की वजह से, और जो जी पा रहे आज के सरकमस्टेंसेस में, दोनों में डिफरेंस हो ही जाता है और कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रुथ पे तो जा नहीं। उसी से निकलने के लिए तो सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट में कहां जाते हैं, तो हमारी इच्छाओं में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ हाँ, देखिए बाहर से तो सिर्फ सूचना आती है, कॉन्फ्लिक्ट में हम जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। और इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे स्वयं में जो इच्छाएं हैं उसमें अभी समाधान नहीं है, उसमें हार्मनी नहीं है, अंतर विरोध है। एक इच्छा दूसरी इच्छा के कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, तो इच्छाओं पर कंट्रोल कैसे किया जाए वो भी एक कंट्रोल भी नहीं करना जी, न तो अडॉप्ट करना है कोई कही गई बात को, न अपने आप को कंट्रोल करना है। हमें देखना है कि हमारी मूल इच्छा क्या है, तो निरंतर सुखपुरुष जीना, उस मूल इच्छा को पूरा करने का कार्यक्रम क्या है उसको हम समझेंगे। तो ये जो हमने बहुत सारी उप इच्छाएं बना ली हैं उस मूल इच्छा को पूरा करने के लिए, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, जो हमारी मान्यताओं का रूप ले ली है, हमारा एक संस्कार बन गया उसके आधार पर, फिर हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं तो ड्रॉप होने लगता है। तो जैसे अभी आपने भी उदाहरण लिया, टेम्परेरी सुख में ही ज्यादा चले जाते हैं। मूल इच्छा तो मतलब एक हैप्पीनेस को समझना भी, हम टेम्परेरी सुख की, हाँ यहाँ चले गए भीड़ में और थोड़ा सबसे मिलाए, खुश हो लिए सबके साथ में, मतलब डांस कर लिया, अच्छे कपड़े पहन के चले गए ऊपरी दिखावे में लोगों से, तो वो टेम्परेरी जो डिजायर है, टेम्परेरी सुख है, वो परमानेंट सुख तो है नहीं। थोड़ा घूम के कहीं बाहर आ गए, बोले ये हम घूमने जा रहे हैं तो सुख हो गया, फिर आए तो वापस वही आ गए, ऐसा बार बार ऑन ऑफ ही तो चलता है वो कंटिन्यूस। और ऐसा ऑन ऑफ करने का निर्णय कौन लेता है, वो हमको पता है, हम जान रहे कि ये सही नहीं है, उसके बाद भी वही घुस जाते। जानना नहीं हुआ, ये भी एक मानना है, तो ये सही नहीं है ये हमने माना हुआ है, ठीक। सही क्या है हमने जाना हुआ नहीं है, तो जानना कभी भी नहीं के अर्थ में नहीं होता है, क्या है उसके अर्थ में होता है। अच्छा, जैसे अभी उदाहरण आता, भाई शराब पीना सही नहीं है, बट क्या सही है फिर, क्योंकि दूध पीना सही है, फिर उसमें प्रश्न होता है दूध पीना क्यों सही है। ठीक है ना, तो हमने कुछ मान लिया कि ये सही नहीं है, पर सही क्या है उसको ध्यान देंगे तो पता चलेगा हम इसमें समाधानित नहीं है। अगला व्यक्ति जब उसको लेकर प्रश्न खड़ा करता है ना, तो हमारे पास समाधान नहीं होता, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, फिर हम उलझन में चले जाते हैं। ज्यादातर मन के लेवल पे मनोरंजन जैसे बात हो रही है, वो ही उस पे ही चले जाते हैं और उसी को सुख माने हुए हैं, और वो सब टेम्पररी है, ऐसा हो रहा है बार बार। वही ना, क्यों जाते हैं उसको एक्सप्लोर करिए, क्यों जाते हैं, क्योंकि अभी सुख का स्रोत हमको स्वयं में नहीं दिखाई देता। हाँ, हमको नहीं लगता कि हम अपने आप में अपने साथ सुखी हो सकते हैं, तो हम बाहर भागते हैं। ठीक, और बाहर एक स्रोत है संवेदना, तो बाहर से कोई अनुकूल संवेदना लेकर हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। सही है, अल्टीमेटली क्या है, सुख का स्रोत ना भी हमारे भीतर नहीं, समझ भाव के आधार पर नहीं है, तो हम निर्भर है बाहर से कुछ सूचना पाकर सुखी होने के लिए, यही परतंत्रता है। हाँ, तो जितना जितना स्वयं में सुख का स्रोत पुष्ट होता जाता है, उतना उतना बाहर की निर्भरता समाप्त होती जाती है। नहीं, जैसे आप अपने साथ बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए आप आराम में रहे, तो आप सामने टीवी नहीं चलाएंगे। अगर अपने साथ बैठे आप आराम में नहीं है, टेंशन होने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, डिप्रेशन होने लगा, है ना, या उबाऊपन लगने लगा, फिर हम टीवी चला देते हैं। नहीं, ऐसे बैठ के अपने साथ बात करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना ही थॉट, जो थॉट बहुत आते हैं ना, जो मतलब जिसको बोलते बहुत ओवर थिंकिंग, फिर उसमें चले आते हैं, या फिर उसको सोचते सोचते फिर वो फिर पुरानी कंडीशनिंग को लेके फिर फ्यूचर के फियर पे पहुंच गए, कई पास्ट को सोचने लगे, कुछ काम नया करने का सोचने लगे, फिर कई चीजें होती कि अति काम करने से भी हम कहीं ना कहीं खराबी कर रहे हैं, ज्यादा काम करके भी,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं कि, और ज्यादातर फिजिकल नीड्स पे, साइकोलॉजिकल नीड्स पे तो हमारे पास सोल्यूशन है ही नहीं। फिजिकल पे खाना, कपड़ा, कमाना और वो तो जो चार चीजें बोली गई उसी पे रहते हैं हम, कि अपना आहा, नींद, मतलब पद, नाम और ये जो धन और बल और इन चारों चीजों पे चले ही जाते हैं। कैसे भी कंट्रोल यहाँ पे है ही नहीं कि मतलब कहीं भी सोचने बैठेंगे ओवर थिंकिंग तो इन चार चीज, ठीक है ना, ये हम देख लें कैसा है अभी, इससे निकलना चाहती है कि नहीं, पहले ये तय कर ले। निकलना है मुझे बार बार, इसीलिए तो इस चीज में फिर चले जाती हूँ कि नहीं मुझे यही सुनना है और यही करना है। मैं मतलब मैं कहीं से भी घूम लेती हूँ फिर इसी चीज पे आ जाती हूँ। जैसे अभी सत्र मैंने शुरू किया तो मैंने अपने लिए किया कि नहीं मुझे वापस से फिर खोजना है, मतलब जानना है कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ। ठीक बात है, तो आप सुबह के सत्र में जुड़े रहिए, है ना, चर्चा हम लोग करते रहेंगे और जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है उसको ठीक से हम काम करें। तो सुबह का एक घंटा इस पूरे प्रस्ताव को सुनने और, है ना, समझने के लिए है एक रूप में, और बाकी जो 23 घंटे है उसको हम लगाएं सजगता पूर्वक अपने ऊपर काम करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू जी। भैया नमस्ते, भैया सभी को नमस्ते। अभी दीदी जो बात कर रही थी तो उससे ही मेरे मन में ये बात आई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं या कोई फंक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर अपने संवेदनाओं के प्रति सजग हैं तो ऐसा तो नहीं हमें कहीं इसमें कहा जा रहा है कि नहीं एकदम कट ऑफ हो जाना है। को एग्जिस्टेंस तभी बनेगा जब हम अपनी जो अपनी फीलिंग्स है, संवेदनाएं हैं, उनको समझते हुए, अपने आप को जानते हुए कि मुझे वहां पे किस तरह का अपने आप में बात करनी है या दूसरों के साथ व्यवहार करना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना भैया जी। तो हम सजगता के साथ एक तो जाने का निर्णय लिया है, उस निर्णय को हम देखेंगे हमने समझ के साथ लिया है कि नहीं, फिर वहां पहुंच भी गए तो वहां हमारी भागीदारी क्या उसको हम तय कर पाएंगे जी बिना प्रभावित हुए जी जी। मतलब एक तरह से देखा जाए कि 24 आवर्स जब हम अपने आप से कंटेंट को लेकर बात करते रहते हैं तो सजग हुए, और सजग हुए तो अपने बारे में जो राइट स्टेप लेना है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मंथन होता रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर वो स्टेप बढ़ाते रहते हैं। तो मॉड्यूल 1 में जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको जो पूरा करने का कार्यक्रम है ज्ञान के थ्रू, और फिर ज्ञान के आधार पे जो निश्चित होता है समाधान, है ना, समाधान के थ्रू इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये दिखाई दिया कि ज्ञान और समाधान तो स्वयं में ही होना है, मैं में ही होना है, और मानव के होने में मैं ही केंद्र में ही, ठीक, शरीर तो साधन मात्र है। तो जितना जितना इस बात को अपने आप में जांचेंगे UHV 3 में ये भाव और पुष्ट होता है कि शरीर मेरा साधन है, ठीक है, मैं ना तो मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा साध्य है। तभी क्या होता है अगर हम इस बात को न समझें तो सुविधा तो शरीर के लिए है, हम शरीर को साध्य बनाकर या अपने आप को शरीर मानकर सुविधा के लिए समर्पित हो जाते हैं। पूरी शरीर यात्रा मेहनत कर रहे हैं, ठीक, खूब मेहनत कर रहे हैं, सारा समय हम उसमें लगा रहे हैं परंतु तृप्त नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि लक्ष्य गलत हो गया। हमको लगता है मानव के होने में तो सुविधा केंद्र में है, सुविधा है तो मेरा अस्तित्व है, सुविधा नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं ये भी एक ना कई बार मान्यता बन जाती है, किसी सुविधा से मेरा अस्तित्व है, तो सुविधा गई तो मैं गया। वहां से शिफ्ट होकर हम शरीर तक तो पहुंच पाते हैं कि सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर है। जैसे भी आप देखिए तो हमारा स्वास्थ्य इस बात से नहीं बनता कि हम क्या कितना खा रहे हैं, बल्कि जो हम पचा रहे हैं उससे बनता है। तो हम बहुत सारा कुछ खा लें बट पचा ना पाए तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो धीरे धीरे भोजन से हमारा ध्यान स्वास्थ्य की ओर जाता है। अब अगर हम अपने आप से पूछें कि स्वस्थ क्यों रहना है, शरीर को स्वस्थ रखकर करना क्या है, तो ध्यान मैं की ओर जाता है। तो हमको दिखाई देगा कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, ठीक है ना। फिर जो समाधान का पूरा स्वरूप है उसको हम लोग बात करेंगे उसके डिटेल्स, और ये भी देखेंगे कि समाधान के साथ कैसे समस्याओं का निराकरण होता है। मॉड्यूल 1 में इतनी बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में जो बात हुई थी कि जानना, जानने की प्रक्रिया, जानने वाला और जानने की वस्तु, इन सब पे बात करेंगे। तो जो जानने का यानी राइट अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का जो पूरा आयाम है
तो हम मानव के ज्ञान से शुरू करते हैं और मानव ही देखें तो जानने वाला है, तो मानव ही दृष्टा है, करता है, भोक्ता है। दृष्टा भाव क्या है, भोक्ता भाव क्या है, कर्ता भाव क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये दिखाई देगा कि जब हम जानना शुरू करते हैं तो मानव को जानने शुरू करते हैं और पूरे अस्तित्व को हम जान पाते हैं। अस्तित्व में हर एक इकाई की दूसरी इकाई से जो परस्परता है, जो संबंध है, उसको देख पाते हैं और दिखता है कि पूरा अस्तित्व शास्त्रीय पूर्वक है। और फिर इसके साथ हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट होती है। तो हम ये जानने वाले मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे मॉड्यूल 2 में। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड। मॉड्यूल 3 में मानव के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि मैं और शरीर, ये दो वास्तविकताएं हैं और मैं में दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, एक ब्लॉक B2 में और एक ब्लॉक B1 में। जो ब्लॉक B1 है वो जानने का आयाम है, जिसको कई बार अनुभव का आयाम भी कहा, ज्ञान का आयाम है। ब्लॉक B2 कल्पनाशीलता का आयाम है, विचार का आयाम है। तो एक अनुभव का आयाम है, एक विचार का आयाम है, एक जानने का आयाम है, एक कल्पना करने का आयाम है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तार से करेंगे, एक एक क्रिया बात करेंगे। उसके साथ फिर हम पूरे अस्तित्व की जब बात करेंगे तो दिखता है कि शून्य है, शून्य में पूरी प्रकृति संपृक्त है, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाएं किस प्रकार एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ये भी दिखाई देगा कि बाकी तीन अवस्थाएं तो पहले से पूरक हैं, मानव का पूरक होना शेष है। और मानव पूरक हो पाता है जब उसको स्वयं में निरंतर सुख का स्रोत दिखाई देता है। जब तक वो बाहर से कुछ सूचना लेकर सुखी होने में लगा रहता है तो प्रकृति का दोहन शोषण करता ही है। तो इस पूरी चर्चा के साथ एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो निकल कर आएगा कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। जितना जितना हम सुख को स्वयं में देख पाते हैं उतना उतना हम प्रभाव से मुक्त होते जाते हैं, उतनी हमारी प्रतंत्रता कम होती जाती है। तो ये पूरे प्रकृति और अस्तित्व के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें दिखेगा कि अल्टीमेटली जो काम होना है मानव में वो इतना ही होना है कि चिंतन की क्रिया जो अभी जागृत नहीं है जागृत हो जाए, बोध की क्रिया जो जागृत नहीं है जागृत हो जाए, अनुभव क्रिया जागृत नहीं है जागृत हो जाए। तो मूल मुद्दा तो संबंध के चिंतन का है, व्यवस्था के बोध का है, सांस्कृतिक अनुभव का है और यही करने काम है ना। जितनी बात हम लोग पूरे अस्तित्व की चर्चा के साथ करेंगे और उसको रिलेट करेंगे तो मानव में जो हम क्रियाओं की बात करेंगे तो कंटेंट के रूप में उसके पूरे अस्तित्व के साथ उसको रिलेट करके देखेंगे। पांचवें आयाम में, जी भैया नेक्स्ट स्लाइड, पांचवें मॉड्यूल में इसके साथ मानव का आचरण कैसा हो है ना, और मानवतापूर्ण आचरण को हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, दो फॉर्मुलेशन का देखेंगे कि इस प्रकार भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दूसरे प्रकार भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो समाधान के अन्य आयाम है, जो ज्ञान से शुरू किया, फिर विवेक, विज्ञान, फिर व्यवहार, कार्य, भागीदारी, फिर उसके आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा और कैसे उसकी एकरूपता होती है विवेक के साथ इस मानवीय परंपरा की, उस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। जी, तो इतनी पूरी चर्चा होगी इस UHP 3 में। इस पूरे कंटेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहें, कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। रेफरेंस बुक्स के रूप में देखें तो ये बुक्स हैं जो यहाँ पे BT में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स एक बुक है जो UHP 2 में टेक्स्ट बुक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, और इसमें कुछ जो बारीक मुद्दे हैं उसके जो रेफरेंसेज हैं वो भी लिस्टेड हैं। तो जितना भी हम लोग कंटेंट रखने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में एक बता दें कि यह एक प्रस्ताव है, एकमात्र प्रस्ताव नहीं। ज्ञान के लिए परंपरा में बहुत सारे प्रयास हुए और जितना जितना आप एक्सप्लोर करते हैं ना, आपको ज्ञान में, ज्ञान के अर्थ में जो प्रयास हुए हैं पूरी परंपरा में, उसके प्रति गौरव का भाव आता है। तो बहुत सारी बातें परंपरा से निकल कर आई, भिन्न भिन्न दर्शनों से भिन्न भिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षण हुआ। हर एक दर्शन ने किसी सटीक मुद्दे पे सटीकता से ध्यान दिलाया है, उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव है और उन सारे अभी तक जितने प्रयास हुए ज्ञान के अर्थ में उन सबको रेफरेंस बनाते हुए उसका जो निचोड़ है उसको यहाँ रखा गया, उसका जो सार है उसको यहाँ रखा गया, उसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। जी, इनमें से काफी सारी पुस्तकें तो अवेलेबल हैं, है ना। जैसे अगर आप इसमें देखें बहुत सारी मध्यम दर्शन की पुस्तकें हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे तो जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एनर्जी इन इक्विटी, इन सबके तो आपको PDF भी मिल जाएंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्लो इज ब्यूटीफुल,
साइंस एंड ह्यूमैनिज्म अभी शायद उपलब्ध नहीं है, ये आईआईटी दिल्ली में एक पुस्तक लिखी गई थी। फिर गुरु ग्रंथ साहिब है ना, और बौद्ध दर्शन की कुछ पुस्तकें हैं, तो आपको मिल तो जाएंगे। परंतु अभी हमारा ये कहना होगा कि अभी इन सारे रेफरेंस बुक्स को एक साथ पढ़ना शुरू ना करें, हो सकता है इससे हमारे पास सूचनाएं तो ढेर सारे आ जाए, क्योंकि हर दर्शन के अपनी वोकैबुलरी होती है, अपना व्याकरण होता है, शब्दों का एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, और उसमें जब जाते हैं तो कई बार हमको एक दर्शन में प्रयोग किया गया शब्द दूसरे दर्शन में अलग ढंग से प्रयुक्त दिखाई देता है। तो अभी जो करने का काम है वो इन सारे रेफरेंस बुक्स को पढ़ने का नहीं है, परंतु यहाँ जो बात सार रूप में रखी जा रही है उसको अपने आप में देखने का है कि हमको स्वयं में दिख रहा है कि नहीं। देखिए अल्टीमेटली दिखेगा ना कि प्रयास तो परंपरा में कई हुए हैं, है ना, और वो सूचना के रूप में आपके पास उपलब्ध भी हैं, परंतु जहाँ हम फंसते हैं वो हमारा भाव है। अगर हमारा भाव में परिमार्जन नहीं हुआ तो हमारे जीने में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। तो हम बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट हमारे अंदर यदि विरोध का भाव बना हुआ है हम उससे निकल नहीं पाते। तो विरोध से संबंध के भाव में कैसे परिमार्जन हो जाए, अव्यवस्था से व्यवस्था में कैसे परिमार्जन हो जाए, संघर्ष से सहस्तित्व में कैसे परिमार्जन हो जाए, ये मूल बात है। इसलिए हम लोग इसको बार बार यहाँ पे कहते भी रहेंगे कि इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम ले आए, तो जो बातें कही जा रही हैं उसको हम सीधा सीधा स्वयं में देख पाए, क्योंकि यहीं से हमारी गति है, यहीं से हमारी गति है, ठीक है ना। तो हमारे आचरण का आधार यदि कोई बाहर का स्रोत हो, चाहे कोई पुस्तक हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई किसी कहीं कोई बात हो, तो स्रोत बाहर ही बना रहता है। जब तक वो स्रोत हमारा ज्ञान नहीं बना तब तक वो हमारे लिए सूचना के रूप में रहता है। वो ज्ञान हो जाए हमारे अंदर, समाधान हो जाए इसके अंदर, तब हम अपने आप में आश्वस्त हो पाते हैं, तब हमारे भाव में परिमार्जन पाता है। ये काम अपने को करना है। नमस्ते भैया जी। भैया जी, जैसे आपने अभी बोला कि जब तक वो हमारे अंदर नहीं आए तब तक वो बाहर ही दिखता है, तो ये चीज भी मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी जीवन विद्या से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये चीज समझ भी पाती हूँ। शब्द रूप में ये सारे कंटेंट मेरे माइंड में है, पर वो जीने में जो आना चाहिए वो एक गैप दिख के आता है। तो यही चीज मैं समझना चाह रही हूँ आपसे कि ये इस चीज को मैं कैसे और वर्कआउट करूँ अपने आप में। जीने में आ जाए, और जीने में कैसे आएगा, जब हमारे भाव में परिमार्जन होगा। अगर भाव में परिमार्जन नहीं हुआ तो वो फिर अनित विचारों को पैदा करता रहता है, फिर विचार हमारे व्यवहार कार्य को प्रभावित करते रहते हैं। तो भाव में परिमार्जन हो जाए, हमारे अंदर संबंध का भाव स्थापित हो जाए, तो संबंध के बारे में हमने प्रस्ताव लिया है, सुना है ना, उसे विश्लेषण किया है, बट भाव में परिमार्जन हो सकता है शेष, वही करने काम है। पर वो बहुत सारी बार ऐसा लगता है खुद में कि जैसे मैं बहुत बार करती भी हूँ पर बहुत अव्यवस्था होती है, तो फिर परेशान हो ही जाते हैं। मतलब वो बाय डिफॉल्ट, मतलब जो अंदर पहले का शायद इतना जो अव्यवस्था से प्रभावित होने का काम है वो हो जाता है। समझ में आता है कि गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर उसको रिजोल्व करना नहीं आ रहा है अभी। बढ़िया है, अब आप नियमित रूप से हर दिन जुड़े रहें, है ना, और इस पूरी बात में हम लोग जो सुबह की चर्चा होगी उसमें हम इन्हीं मुद्दों पे लौट लौट के ध्यान देते रहेंगे, और जो अभ्यास के लिए बिंदु आपके सामने रखे जाएंगे उसको आप अभ्यास करते रहें। वो जो दीदी एक बात कर रही थी ना कि हमें जाना होता है कहीं पे, तो भैया संबंधों के निर्वाह के लिए अपने को जाना तो पड़ता है ना। मतलब ये मैं सोच रही थी, मान लीजिए कोई शादी है, किसी का कुछ भी है, और हमें पता है कि हमारा वहाँ पे अभी 2 घंटे मतलब जो है वो बहुत उसमें नहीं जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ, मगर जाना पड़ता है मतलब संबंधों के निर्वाह के लिए। पर हाँ, आपकी बात ये सही है कि वहां जाके मेरी भागीदारी क्या रहेगी, ये हम अपना मतलब वो ये हम तय कर सकते हैं कि मतलब किस वे में हम वहां पर रहेंगे, कुछ शेयरिंग करेंगे कुछ ऐसा, या क्या खाएंगे जो सार्थक हो मेरे लिए, ये सब हम तय कर सकते हैं। मतलब ये सही कह रही हूँ भैया मैं? हाँ बिल्कुल। देखिए एक समय के बाद ऐसा होता है ना कि लोग भी आपको इस रूप में स्वीकार लेते हैं, तो आपसे फिर अन्यथा बातें भी नहीं करते हैं। तो जब भी आप कहीं उपलब्ध होते हैं तो आपसे समाधान की बात करेंगे, है ना, इस संवेदना को लेकर, मान्यताओं को लेकर बात ना करके। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, परंतु जब हमारा जीने का कार्यक्रम निश्चित हो जाता है, हम खुद प्रभावित नहीं होते हैं वातावरण से,
और हम एक निश्चित कार्यक्रम के साथ जीते हैं, तो अगले व्यक्ति भी अपनी भागीदारी को हमारे अनुसार निश्चित कर लेता है। तो देखेंगे आप तो पाएंगे कि इसमें मुख्य मुद्दा तो अपने विकास का ही है, अपने ही निश्चितता का है कि हमारा भाव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण निश्चित हो जाए। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही। हाँ जी, थैंक यू भैया। बढ़िया जी। जी, इस पे हम लोग बात करेंगे, मगर तो भिन्न भिन्न दर्शनों में एक यहाँ पे आरबी पाटिल जी का प्रश्न है। तो जागृत, सुसुप्त, नहीं जागृत, सुसुप्त, स्वप्न और तुरी, ये चार शब्द रखे गए हैं और उसको भी हम लोग समझेंगे क्या अर्थ है उसका, और दृश्य, दृष्टा, दृष्टांत, ठीक है ना। अभी देखिए, आप पाएंगे हर एक दर्शन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वास्तविकता वही है, अस्तित्व तो वही है ना, मानव वही है। अपने अपने ढंग से लोगों ने समझने का, जीने का और उसको सामने रखने का प्रयास किया ही है। तो हम शब्दों में न उलझकर उसके अर्थ में जाएंगे। तो अल्टीमेटली हर परंपरा में सत्य की ही बात हुई है, यानी अस्तित्व तो जैसा है उसको वैसा देखा जा सके। उसके साथ मानव के साथ प्रेम का भाव कैसे सुनिश्चित हो, इसकी बात हुई है। उसके साथ करुणा के साथ कैसे जीना हो जाए हमारा, उसकी बात हुई है। तो सत्य, प्रेम और करुणा, अगर आप सारे दर्शनों में देखें तो अल्टीमेटली निकल कर यही आता है। जितनी ज्ञान परंपरा है उसमें देखें, जितने साधु हुए, संत हुए, उनको देखें तो अल्टीमेटली इतनी बात कर रहे हैं कि सत्य का ज्ञान हो जाए, प्रेम का भाव हो जाए, करुणा पूर्वक जीना हो जाए। तो ये जितना भी प्रयास हुआ है परंपरा में सभी सहायक हैं, बट हम उलझते वहां है जहां हम शब्दों में रुक जाते हैं, उसको हम सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करते, वहां रुक जाते हैं। जानने और मानने में कितना होता है, क्योंकि भय के कारण, किसी न किसी प्रकार के डर के कारण ही बहुत सारा आचरण होता है या नहीं होता है। जी देखिए, भय का कारण क्या है, भय का आधार क्या है, इसको देखें तो पाएंगे कि मानना है। बिना जाने हुए हमने कुछ मान लिया, जैसे अगर मानव को शरीर मान ले तो हमारे अंदर प्राण का भय लगा रहता है। अगर हम सुविधा को सुख मान ले तो हमारे अंदर सुविधा के लोभ का, सुविधा के क्षय का भय लगा रहता है ना। अगले व्यक्ति को अपना विरोधी मान ले तो संबंधों का भय लगा रहता है। तो ये जो हम मान लेते हैं बिना जाने हुए, यही सारा भय का कारण है। तो भय मुद्दा नहीं है, बेसिकली जानना मुद्दा है। एक बार जानने काम होने लगे तो भय अब से हम अपने आप ना निकल पाते हैं, नहीं तो फिर उस भय से हम संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए तरीके निकालते रहते हैं। अभी जैसे देखिए, मार्केट में समस्याओं को गिनाया जाता है और फिर उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं आज के दिन। डिप्रेशन में है तो ये करिए, है ना, प्रोडक्ट्स हैं कि आप अगर सही बात सी करें, डिप्रेशन, डिप्रेशन सही बात है। भय का ही मैंने बोल राज्य उसी का है, डर का ही राज्य कर किया जाता है। तो अभी क्या है, वो भी एक मार्केट बन जाता है। तो मुद्दा भय का नहीं है, मुद्दा समाधान का है। समाधान होता है तो भय नहीं है। समाधान नहीं समझ पाई मैं इसमें, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगी सुनने के द्वारा। जी बिल्कुल, यानी जैसा है वैसा मैं उसको देख पाता हूँ। अच्छा, और उसके अनुसार जीने का कार्यक्रम बना पाता हूँ तो भय नहीं रहता। हाँ, हाँ, उसको देख पाना, फिर एक्सेप्टेंस उसको फॉलो करेगा, उसको देख पाना, जान पाना, समझ पाना। तो उसमें एक्शन क्या प्ले करता है, माने हमारा करना, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, क्या हम सिर्फ समझते रहे, देखते मानव रहे? जी हमने देख लिया कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, ठीक, शरीर तो साधन मात्र है। यह अगर हमने देख लिया तो एक्शन फिर हमारा ये बनेगा कि शरीर का हम ध्यान रखेंगे, ठीक से जिम्मेदारी पूर्वक शरीर को रखेंगे। अभी शरीर को इतना कष्ट देकर सुखी होने जाते हैं, न शरीर स्वस्थ हुआ न हम सुखी हुए, कि नहीं? जी सही है। और संबंधों में, संबंधों में हमने देख लिया कि हर मनुष्य मुझे सुखी करना चाहता है, तो हमारे अंदर किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं होगा। तो जब भी कोई विचार करेंगे संबंध के भाव के साथ करेंगे, जब भी व्यवहार करेंगे संबंध के अर्थ में, दूसरे के सुख के अर्थ में करेंगे, ये एक्शन हो गया। बट ये यदि हम मान के कर रहे होंगे तो इसमें बड़ी पीड़ा होगी, भार सा लगेगा, बोझ सा लगेगा, ठीक। बट यदि समझ लेंगे
तो सहज भाव से करेंगे, दूसरे का संबंध पूर्वक जी ना कोई बोझ नहीं है, वही मेरा सुख है, ये हमको दिखने लगता है। शरीर के साथ संयम पूर्वक जी ना कोई बोझ नहीं है कि सामने रात को आइसक्रीम आ गया है ना, अब खाएं ना खाएं, ठीक बड़ा बोझ लग रहा है, इन्होंने कह दिया है कि भाई स्वास्थ्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वाद नहीं। अब ये जब हम अंतर्द्वंद में जाते हैं तो बोझ लगता है, नहीं खाना है, अगर हमने निर्णय लिया आइसक्रीम नहीं खाना रात को ठंड की रात में, ठीक, तो हमको लगता है बड़ी उपलब्धि कर दी हमने, है ना, मैदान मार लिया हमने, जीत गए, क्योंकि बहुत सारा संघर्ष किया हमने, तो संघर्ष में विजयी हो गए। परंतु जब हमको सहज रूप से दिखाई देता है कि हम स्वाद से सुखी नहीं होते, स्वाद तो एक सूचना है, ठीक, हमारे अंदर जो शरीर के प्रति संयम का भाव होता है उससे सुखी होते हैं, तो नहीं तो ये हमारे अंदर संघर्ष चलता है ना, हम अपने आप को विजयी मानते हैं इसमें, ठीक, ये तो सहज बात है, ऐसा होता ही है। तो ये एक्शन हो गया, ये जीना हो गया हमारा जी, जी जी, ठीक है जी जी, कोशिश कर रही हूँ समझने की जी। बढ़िया दीदी जी जी, धन्यवाद। तो लेक्चर टू में हम इस बात को देखेंगे कि अभी हम कहाँ खड़े हैं यूएचवी टू के बाद, और हमें पहुँचना कहाँ है यूएचवी थ्री के साथ। और भैया मेरा इसमें जो दीदी ने कहा खाने से लेके, खाने को लेके मेरा भी पहले यही था कि कहीं जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज को भैया जब अपने में चेंजेस लाई उनको, मतलब बहुत विस्तार में नहीं, उनको बस ये समझाया गया कि भाई मेरे लिए ये ठीक नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, तो धीरे धीरे इस चीज को भैया स्वीकार कर लिया सबने। और काफी सालों से जो है मैं बाहर की जैसे कई चीजें नहीं लेती हूँ, तो बिल्कुल जो अपने ये प्रस्ताव अभी रखा है इतना अच्छा है कि इसको थोड़ा सा स्वयं में जैसे एनालाइज करते हैं ना कि भाई विस्तार में नहीं जाके उसको हम जैसे समझा देते कि मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं है। जैसे उदाहरण आपने दिया कि ठंड है, मेरे लिए ये आइसक्रीम ठीक नहीं है, गला खराब हो जाएगी, लेकिन अगर अगले का भाव है कि भाई आप मेरे साथ ले लीजिए दो चम्मच ले लो, तो कोई उसमें वो नहीं है। तो भैया बहुत ही बढ़िया, इसमें बस यही रखना था, बाकी मेरा क्लियर होता जा रहा है भैया, बहुत अच्छा बनता जा रहा है मेरा एक अंदर। बढ़िया दीदी, अभी से जो मुझे अपने यूएचवी वन में समझ आया और जो मेरे क्वेश्चंस हैं, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ के लिए तो चलिए हम अपने लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय बॉडी, फॉर माय थिंकिंग, फॉर माय मेरा मतलब मेरा जो मार्ग मैं अपने लिए चुनना चाहती हूँ दैट इज देयर, बट आई लिव इन रिलेशनशिप्स, आई लिव विद अदर्स ऑल्सो, और उनकी विचारधारा अगर मेरे से कम्प्लीटली अलग है, मतलब वो अगर बॉडी में जी रहे हैं या वो अपनी तरफ से, चलिए वो भी अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहे होंगे, लेकिन हमारा एक दूरी है हमारे में जो मुझे लगा मैं बहुत सालों से कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, तो वो दूरी बढ़ती ही जा रही है, मतलब बाकियों की जो दृष्टिकोण है वो अलग है, वो बॉडी रिलेटेड है, मेरा सेल्फ रिलेटेड है, तो मैं बॉडी में भी इंटैंगल हो जाती हूँ क्योंकि ये सब अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बॉडी में नहीं है इंटैंगलमेंट, वो भी टाइम लेता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे प्रोसेस में बेटर है या उनका प्रोसेस व्हाटएवर, मतलब मैं जज नहीं कर रही हूँ अभी हालांकि मैं करती हूँ कई बारी। तो मेरी उलझन ये है कि मैं मेरे डिफरेंट रोल्स हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, फिर और भी रिश्ते बन गए हैं थ्रू मेरे बच्चों की शादियों से, और भी मतलब रिश्ते हैं मेरे, और सिबलिंग है मेरे, मतलब कजन जो भी हैं, तो इनके जो मेरा संघर्ष है वो ये है कि मैं शायद निकलना चाहती हूँ बॉडी से और सेल्फ में ज्यादा, और दूसरे मुझे पुल करना चाहते हैं वापस कि आप क्यों, ये आपके मतलब दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप ये ठीक से नहीं कर रहे हो, वो ठीक से नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। तो इसका आई नो आगे जाके अपने में ही मुझे वो लाना पड़ेगा, आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर ओनली, लेकिन इसमें मैं बहुत दुविधा में रहती हूँ। तो और मैं ऐसा नहीं कि मेरा उम्र भी ज्यादा है, मतलब आई एम 60+, तो मैंने बहुत देखा भी है, इट्स नॉट कि लाइक मेरा ये अजम्पशंस हैं, सिर्फ देखा है कि किस तरह से
रिलेशनशिप्स में मतलब जो चीजें आई हैं, जो अलग की विचारधारा है, और ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं जिसमें वो अफेक्ट करता है एक दूसरे को, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, आपका कंसर्न तो जेन्युइन है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाई होगी, है ना। हमारा ध्यान चला गया है, परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान नहीं गया, और कई बार ऐसे अवसर होते हैं जहां हम बाध्य महसूस करते हैं उनके अनुसार चलने के लिए, परिवार के सदस्यों के अनुसार चलने के लिए। तो इसमें एक बात तो स्वीकारने की है कि अगर हम अपने जीने के इतिहास में जाएं तो परिवार का निर्णय तो हम ही ने लिया, है ना। हमने उस समय जिस तरह की हमारी योग्यता थी उसके आधार पर लिया, तो उसके साथ तो अभी निर्वाह करना बनता ही है। उसके साथ स्वयं में परिमार्जन करना और अपने संबंधियों में परिमार्जन करना, ये एक निश्चित भागीदारी दिखाई देती है, तो उसके लिए हम सतत रूप से काम करते रहेंगे। साथ ही हमको दिखता है कि मेरा जीना इस छोटे से परिवार में ही नहीं है, जहाँ पे स्पाउस हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो ये जब हमारी दृष्टि और फैलती है, जैसे अभी आप जुड़े हैं ना, तो ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जहाँ आप जुड़ी हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि उस तरह की स्थिति नहीं है, लोग जांचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये आपको सपोर्ट करता है। तो जो पहली बात मैंने कही कि उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये जो परिवार अभी हमारी जो स्थिति है परिवार में, वो हमारे ही पास्ट में लिए गए निर्णयों के आधार पे है, जहाँ हमारा कहीं अगर इनकम्पिटेंस रहा होगा तो गलत निर्णय हो सकता है ले लिए हमने, उसको एक्सेप्ट करने की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। दूसरी बात कि जिस परिवार में अभी हम रह रहे हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, अपने भी और अपने संबंधियों के लिए भी। तीसरी बात कि अपने आप को परिवार में सीमित नहीं रखेंगे, है ना, एक जो परिवार का एक्सटेंशन है जो विश्व तक जाता है उसके साथ भी जुड़कर जिएंगे। अब ये तीनों ही एक दूसरे को पुष्ट करेंगे, तो जब हम इस फैले हुए परिवार को देखते हैं ठीक, तो दिखता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही इनकम्पिटेंट थे और हमने ऐसा नहीं, हमको दिखता है कि हाँ, मानव के विकास का ही क्रम है, पहले इनकम्पिटेंट होता है फिर कम्पिटेंट होता है। उस प्रोसेस से स्वयं में दुखी परेशान भी होता है, संघर्ष भी बनता है स्वयं में, फिर धीरे धीरे उससे निकल पाता है अपने ज्ञान समाधान के आधार पर। तो उसका कोई हमको डिप्रेसिव थॉट या फिर कोई उसका अवसाद नहीं बनता, है ना, हम उससे निकल पाते हैं। फिर परिवार को भी दिखता है कि ये व्यक्ति इतना सार्थक जीने में लगा हुआ है, क्यों ना इसका सहयोग किया जाए, तो परिवार में भी उत्साह बनता है। हो सकता है आपके परिवार में ही कोई एक व्यक्ति हो जिसका ध्यान ठीक से चला जाए, ऐसे एक नहीं ऐसे सैकड़ों परिवारों का उदाहरण अपने को मिला है, जिसमें पहले तो परिवार में स्वीकृति नहीं थी और फिर स्वीकृति बन गई, तो इतनी अच्छी स्वीकृति बन गई कि वो परिवार अन्य परिवारों को जोड़ने में लगा हुआ है, ये भी है। और जब हम परिवार के भाव को हम पूरे विश्व के साथ फैल के देखते हैं ना, तो हमको ये सीमाएं नहीं दिखाई देती कि इन्हीं चार छह लोगों के साथ जैसे भी हो सुख दुख पूरा जीना ही हमारा कार्यक्रम है। हमको दिखता है कि ये जो पूरा विश्व परिवार है उसके साथ भी सुखपूर्वक जिया जा सकता है, उसका निश्चित कार्यक्रम है। ये जो छोटा परिवार है एक बिल्डिंग ब्लॉक है उस विश्व परिवार का, आइसोलेशन में नहीं है। ये जो हमारी एक समग्रता की दृष्टि बनती है, इससे भी हम काफी आराम पाते हैं और हमको आगे का कार्यक्रम दिखाई देता है। ये तीन बातें मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। ठीक है दीदी जी भैया, समय हो चला। जी भैया, मुझे तो इसमें मतलब अभी तो शुरुआत है, तो देखते हैं किस तरह से मैं इस संघर्ष में इसको मैं वो कर सकती हूँ। थोड़ा मुझे तो अभी तो संघर्ष ही लग रहा है इस वक्त। तो वही अभी आपने ऊपर और ठीक से हम काम करें तो आपको दिखेगा कि संघर्ष का निर्णय भी हम ही ने लिया है। संघर्ष मेरे भीतर है, बाहर तो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं घटनाओं से हम संघर्ष में भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। बढ़िया, आप जुड़े रहें, है ना, ठीक हम लोग चर्चा करते रहेंगे।